नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ट्रेड वार के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नाफ्टा का पूरा नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तीन देश नॉर्थ अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको, इन तीनों के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ था 1993 में और फॉर्म में आया था, यानी इफेक्ट में आया था 1994 में। मकसद था नॉर्थ अमेरिका में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। तीनों देशों की कंपनीज आपस में अच्छे से ट्रेड कर सकें और इस पूरे रीजन से एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट किया जा सके पूरी दुनिया में। देखो, उसी समय यूरोपियन यूनियन भी इस्टेब्लिश हुआ था, तो नॉर्थ अमेरिका के इन तीन देशों को ऐसा लगता था यूरोपियन यूनियन में यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज एक साथ आ गए हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, इसलिए उनका सामना करने के लिए हमें भी एकजुट होना होगा। इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका के तीनों देश उस समय एक साथ आए थे। लेकिन देखो, जब से ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं, वो कहते हैं कि नाफ्टा से यूएसए को फायदा नहीं हुआ है बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूएसए का जो इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैक्सिको से भी और कनाडा से भी। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो पहले यूएसए में थी वो अब इस्टेब्लिश हो गई हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते मैक्सिको में। क्यों? क्योंकि देखो, मैक्सिको में लेबर काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, लेबर चीप है, इसलिए यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को ये लगता था कि मैक्सिको की चीप लेबर का फायदा उठाया जा सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैक्सिको में इस्टेब्लिश किया जाता है तो। इसलिए उन्होंने अपनी यूनिट्स को शिफ्ट कर लिया यूएसए से मैक्सिको में। तो ट्रंप का दावा ये है कि यूएसए को बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया यूएसए का मैक्सिको के साथ और कनाडा के साथ। इसलिए अगर मैक्सिको और कनाडा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट नहीं करते हैं, मतलब यूएसए को कंसेशंस नहीं देते हैं, तो यूएसए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा। ये सब बातें ट्रंप के द्वारा बोली गई थी। और अपनी इसी रणनीति पे आगे चलते हुए ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ को इंक्रीज भी कर दिया था। इसके बाद मैक्सिको के द्वारा कहा गया कि हम यूएसए का जवाब देंगे। अगर यूएसए मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज करता है, हम भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ट्रेड वार में अभी फिलहाल चाइना यूएसए की ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, उसी प्रकार से हम भी रिटेलिएशन करेंगे। ये सब बातें मैक्सिको के द्वारा बोली गई थी। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिको ने अब यूएसए को कुछ कंसेशंस दी हैं। मैक्सिको ने कहा है अब कि हम टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, इस वजह से उन्होंने यूएसए को कंसेशंस दी हैं। मतलब मैक्सिको और यूएसए के बीच जो ट्रेड वार चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। आर्टिकल में मैक्सिको की तारीफ की जाती है। आर्टिकल में कहा जाता है कि मैक्सिको ने बिल्कुल सही स्टेप उठाया है। देखो, ये जो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए का काफी सारे देशों के साथ, इससे किसी को फायदा होने वाला है नहीं, और मैक्सिको ने सही समय पर इस बात को समझ लिया। चाइना को भी इस बात को समझना होगा। चाइना समेत काफ़ी सारे वो देश जिनका अभी यूएसए के साथ ट्रेड वार चल रहा है, उन देशों को इस बात को समझना होगा कि देखो, यूएसए की ईंट का जवाब अगर पत्थर से दिया जाता है तो इससे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी और अल्टीमेट लॉस, इवेंचुअल लॉस जनता का ही होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, चाइना अभी अगर यूएसए से कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है, मान लीजिए पेन इम्पोर्ट कर रहा है, अगर यूएसए से इंपोर्ट होने वाले पेन पर चाइना टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज कर देता है तो जनता को यह पेन महंगा मिलेगा, यानी इवेंचुअल लॉस कितना किसको हुआ? जनता को हुआ। इसलिए अगर हम ट्रंप को छोड़ दें तो बाकी देशों के प्रीमियर्स को इस बात को समझना होगा कि आप यूएसए का रिटालिएशन मत कीजिए। ट्रंप जो है वो अपने वोटर्स को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर बाकी देश यूएसए का जवाब देंगे तो ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं, ट्रंप फिर से जवाब देंगे और ये ट्रेड वार चलता ही जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैक्सिको ने सही समय पे इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब
दूसरे देश जो यूएसए के साथ ट्रेड वार में लगे हुए हैं उनको भी इस बात को रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो ट्रंप की गलत नीतियों का रिटालिएशन ना करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाफ्टा और ट्रेड वार के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।